गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? हेलो सुबह हो चुकी है और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और भगवान से आपके ऊपर कृपा करें। तो अभी सोच रहे थे कि मैं करूं क्या करूं क्या। सुबह खाली बैठा था, रामनगर में आ गया था और आज महाशिवरात्रि की हमारे यहाँ है छुट्टी। तो देखिए, हमने क्यारी बना दी यहाँ पे, भिंडी लगाने के लिए क्यारी बना दी और सोचा कि घर के पास में रहेगा, यहीं से पानी भी आ जाएगा और एक आध क्यारी भिंडी उंडी सब्जी उब्जी यहाँ पे धनिया उनिया लगा दिया करेंगे और अपना खाने पीने का यहीं से हो जाएगा तैयार। तो भैया देखो, ये क्यारी बन के तैयार है और पिताजी अपने काम में लग गए हैं। देखते हैं, मिस्त्री मजदूर अगर आते हैं तो उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो फटाफट लगभग क्यारी तैयार है। इससे पानी भरने की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भैया, हमारे यहाँ बगल में एक प्लाट है और उसकी बाउंड्री बहुत ऊँची है। किसी ने बहुत ही बदतमीजी किया है। एक कुत्ते के कम से कम जो है 7-8 पिल्ले थे, उठा के सारे बाउंड्री के अंदर डाल दिए। 3-4 तो मर गए, कुछ बचे हैं। शायद उनकी जान बचाने के लिए बात कर लिया हूँ, बोला ताला तोड़ दो। ताला तोड़ के दरवाज़ा खोल देता हूँ तो शायद बाहर निकल जाए तो उनकी जान बच जाए। ये वाला प्लॉट है, मैंने अभी फ़ोन से बात किया है, देखते हैं टूटता है कि नहीं। नहीं टूट रहा, बड़ा मजबूत है भाई। ये देखो भैया, ताला तोड़ दिए हैं लेकिन गेट खोल नहीं पा रहा। थोड़ा खुल जाए या आगे भी नहीं खुल पा रहा, ये फंसा रहा। अब खुल जाएगा शायद बाहर की तरफ। अरे बाप रे, ये तो दम ही नहीं है इसमें। क्या बनाया बाप रे, खोलते ही पूरा उजड़ गया, देख रहे हैं? ओ माय गॉड, खाली रेत लगाई है बस। देख रहे हैं कितना डरे हुए हैं ये सब। दो जिंदा बचे हैं ये। आजा 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 भाई, आजा। अरे भाई, काली वाली कुतिया भी आ गई। हो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हो। काली वाली कुतिया आ रही है, देख रही है मेरे को भाई। इसी में घिस घिस के बताओ मर जा रहे हैं। 3-4 पिल्ले इसमें छुप गए, 2-3। आज हमने रिहा कर दिया, जा हट हट। मैंने दरवाजा खोल दिया है भाई, डर लग रहा है कहीं कुतिया काट लिया तो बवाल हो जाएगा। धीरे से पता चला पैर में चबा लिया। अब निकल जाएंगे। दो पिल्ले बचे हैं, वह 5-6 पिल्ले थे, 2-3, दो ही बचे हैं। उधर जा रही है, उधर आजा भाई। इसके अंदर दो बचे हैं अभी, शायद अब वो निकल जाएंगे। दरवाजा भी टूट गया खोलते खोलते, एकदम बिल्कुल जंगली हो गए हैं दोनों, अंदर बंद बंद झाड़ी के अंदर घुस गए। आजा। और ये अपने साथ जो मरे थे ना, उनके बच्चों को खा खा के जो मरे हुए थे, उनका मांस खा के जिंदा हैं दो। मेरी बिटिया बता रही थी कि जो मर गए उन्हीं को खा रहे हैं, उन्हीं को खा खा के दो बच गए जिंदा इसमें। और ये भी मतलब बहुत खतरनाक हो गए हैं दोनों। बता रहे मिस्त्री मजदूर आएंगे काम पे, हमें झटाझट यहाँ से भागना है भाई, फटाफट।
और चलो निकलते हैं, वहाँ चलना पड़ेगा, काम धाम शुरू हो जाएगा फिर आ जाएंगे इधर। अभी कुछ खाया नहीं, चाय तक नहीं पिया। वो देखिए भैया, दोनों पिल्ले बाहर आ गए, वो देखिए भाग रहा है। अरे एकदम आजादी मिल गई, आजादी क्या बात है। आजो, खोल दिए, ताला तोड़ दिया, दोनों कुत्ते भाग गए, दो बचे पिल्ले, दोनों भाग गए। ऐसा तेज भागे जैसे लग रहा है उनको आजादी मिल गई हो। तो अभी हम लोग जय गुरुदेव जो है, जो चल रहा है कार्यक्रम, वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। पिताजी भी जा रहे हैं और हमारे साथ रामसुख जी हैं। वहां भंडारा वगैरह भी चल रहा है, बाइक यहीं छोड़ देते हैं यहीं पे। कौन ले जाएगा इतनी हैवी बाइक? है किधर से? हाँ ये दीवार पर की, चलो ये यहीं से शॉर्टकट मार देते हैं दीवार दीवार पर से। आज वो खुदला का है को एमए से। अच्छा, ये शॉर्टकट जो है झाड़ी में से हम लोग इसी दीवार पर से होके निकल जाते हैं। बस देखिए यहाँ तक लगी है, जय गुरुदेव के जो लोग आए हैं अलग अलग वो यूपी के जिले से, यहाँ तक बसें खड़ी हो गई हैं सारी। देखिए जय गुरुदेव की बसें खड़ी हैं, कहाँ तक खड़ी हैं वहाँ तक। हाँ, तो बुकिंग वाली बसें तो हैं, सभी खड़ी हैं, ये दूर दूर से आए हैं सभी। ये खाना वाना भी सिम बना खा रहे हैं। बस वस की सफाई वफाई सब की है, देखिए कूड़ा कबाड़ा यहीं पे नीचे गिरा है सब, दुनिया का है कूड़ा कचरा लाके गिरा दिए, उसी में सब सो रहे हैं। ये देखिए बसें, कहाँ कोई इंसान नहीं नजर आता था, आज देख रहे मेला लगा हुआ है इधर, बसों ही बसों का रेला। इधर भी बसें खड़ी हैं, इधर भी है बसें लाइन से लगी हैं सब। अरे गाड़ी वाले बहुत तेज आ रहे हैं, देख रहे हैं एकदम जैसे हवाई जहाज बनाए हैं सब। हवा चला हवा, अरे एक जा रही दूसरी गाड़ी आए जा रही है। अरे वो लोग रोकते थे, ये लोग जब रहते हैं ना, आवा चला गाड़ी के बाद चला, आवा आवा तेज आवा, तो धीरे कहा चलता है। गाड़ी देखा थे या? कितना तेज गाड़ी, आवा 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 आवा, आवा, आवा जल्दी आवा, नहीं तो ये सब हवाई जहाज बना देते हैं गाड़ी वाले, जाने तक नहीं देते किसी को। चलिए इसके अंदर चलते हैं, कितनी बाइकें खड़ी हैं। ओ भाई यहाँ दुकान खुल गई है, केला सब्जी ऐसे कैसे सब। देखिए भीड़ भाड़, पानी का टैंकर। एकदम कभी सन्नाटा रहता है, कभी लड़के क्रिकेट विकेट खेलते हैं यहाँ पे। अलग अलग जिले का अलग अलग कार्यालय बना हुआ है, आज का ही प्रोग्राम है, आज शाम तक सब खाली हो जाएगा कहो, या कल तक जाएंगे लोग, कल तक जाएंगे बता रहे। Thank you.
एकदम समाप्त की ओर है लगभग जो है, और गुरुदेव जी का जो है जो मुख्य उद्देश्य है कार्यक्रम का, शाकाहारी बनो, ब्रह्मचारी बनो और सतयुग लाने की तैयारी करो, ऐसा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अभी बहुत सारे लोग, कितने लोग आए होंगे भैया? 40-50 हज़ार लोग तो मुझे लग रहा है। आप कहाँ से आए? अरे हम तो कानपुर से आए हैं, गोंडा बलरामपुर के रहने वाले हैं। हाँ, बाहर काम करने गए थे, वहीं से हम चले आए। अच्छा, कहाँ काम करने गए? कानपुर। कानपुर, वहाँ से यहाँ चले आए? हाँ। भाई साहब बाबा की इतनी मान्यता है जय गुरुदेव वालों की, देखिए लोग काम छोड़ करके भी यहाँ आ गए हैं। खतरा पैदा होगा मेरे खानदान के इज्जत का, खतरा पैदा होगा, वो खतरा पैदा करने का कोई भी काम आप ट्रेनियों मत करना, और बराबर प्रभु को याद करते रहना। पूरी सब्जी की तैयारी शुरू है, हैं? ड्रेसिंग की तैयारी। कहाँ जा रहे हो? लड़के मूली। अरे कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा, आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं? नेपाल के भंडारे में बढ़िया खाना बना है, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे भी खीर मिल गई है खाने को। का हो, मिल गई खीर? कैसी बनी है? ठीक है। देखिए राम सुख जी खीर खा रहे हैं। बताइए खीर, नेपाल की खीर कैसी लगी? कहो। बहुत बढ़िया। बढ़िया है। इस भीड़ में नेपाल की खीर मिली है खाने को हमको भी। देख रहे हैं भीड़, कितने लोगों की भीड़ है। मुंह ही लगा दिया है सीधे। ये देखिए ये लोग रोक दे रहे हैं ट्रैफिक को ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। खोल दिया अभी। पुलिस के काम सेवादार कर रहे हैं। पुलिस का काम सेवादार कर रहे हैं। ये है ट्रैफिक की व्यवस्था, बढ़िया। देख रहे हैं है, कम है, 2-4-6-10 है। हम लोग यूपी 32 ढाबा गए थे, सामान वान गुड़ भेली जो है, ब्रेड रेड जो है सब लेके आ गए। किशमिश भी लाए, किशमिशियाँ बढ़िया है। कहो ढाई 70 रुपए के 250 ग्राम दिया, 7×4=28, 280 रुपए किलो बैठा ना। बनने जा रही चाय, और चाय पियेंगे ब्रेड के साथ खाएंगे, उसके बाद मटर वटर छिल करके आज आलू मटर टमाटर की सब्जी बनेगी। आ गए वापस हम लोग यहाँ पे, यहाँ आज कोई है नहीं, आज हम ही लोग हैं, सन्नाटा ही है यहाँ पे। आज सब लोग चले गए हैं, आज शिवरात्रि मनाने चले गए। हम लोग नहीं है तो कोई रुके भी नहीं, सब चले भी गए। आए होंगे जरूर। चलिए मटर वटर छिलते हैं, खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं।